के बारिश के बहते पानी में फिर से मेरी नाव तैरवा दो रे, और बैठ खाट पे दादा दो रे, फिर से वह कहानी सुनवा दो रे, और कैंड पत्ता हाथ निकल बित्ता फोड़ सारे खेल खेलना कर रहते यार, मने मेरा बचपन वापिस लौटा दो रे, अरे कोई तो बचपन वापिस लौटा दो रे। तो राम राम सारे भैया ने दोस्तों, में थारा भाई अक्षय चौधरी। दोस्तों बचपन एक ऐसा पहलू है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, हंसा जा सकता है लेकिन वापस बुलाया नहीं जा सकता। तो आप सभी की भी बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हुई होंगी बचपन की जिसको आप नहीं बुला सकते, और मेरी भी है। तो दोस्तों बात उस समय की है कि जब हमारे गांव के साइड में नहर निकली थी, तो वैसे हम नहाने का तकड़ा क्रेज था, नहर में बहुत मज़ा आया करता था। पहली बार नहर निकली तो हम सारे जितने भी यार दोस्त थे, चार पाँच यार दोस्त थे मेरे, विशाल, विनायक, ललित, राहुल और मयंक, तो हम काफ़ी सारे दोस्त थे, विकास वगैरह, तो हम सारे इकट्ठे होकर नहर में नहाने जाया करते थे। तो नहर में खूब मस्ती क्या कर रहे थे, पुल पे से छलांग मारा कर रहे थे, वहीं पे छुपन छुपाई खेला करते थे। लेकिन जब हम घर आते थे तो पकड़े जाते थे, और पकड़े इसलिए जाते थे या तो हमारे बाल गिल्ले पावे थे, या हमारी ठोटी पे गारा लगा पावे था, या हमारा कच्चा गिल्ला पावे था। तो भाई खूब कुट्टा कर रहे थे पिताजी, बहुत मारा कर रहे थे कि यार तू नहर में ना क्या आ जा, मतलब अलग पता चल जाता था जी, नहर में नहाने होगा अलग पता चल जाता था, बाल गिल्ले होने का, कच्चे गिल्ले होने का एक सबूत था। तो खूब पिटे भाई साहब। तो हम सब दोस्तों ने एक प्लान बनाया कि यार ऐसे नहीं चलेगा, नहर में ज़रूर नहाना है, और घर वाले रोज़ पकड़ लेते हैं, रोज़ कूटते हैं। तो हमने एक प्लान बनाया कि यार क्यों ना हम गंजे हो जाएं, और गंजा होने के बाद हम जो है नहर में आज से नंगे नहाएंगे, ना तो कच्चा गिल्ला पाओगा और ना बाल गिल्ले पाओगे। तो हमने उस प्लान को फॉलो किया, हम गंजे हो गए भाई साहब और नहर में नहाने चले गए। तो नहर में नहाने ऐसे टाइम पे जाया करते थे जब कोई वहाँ पे ना हो, एक डेढ़ बजे का टाइम होता था, तो उस समय नहर पे कोई नहीं होता, सब जगह चोट पड़ा रहता है, बस हम चार पांच दोस्त थे नहर में कूदा कर रहे थे अपना, हमने नंगा नहाना स्टार्ट कर दिया। तो भाई साहब कुछ दिनों तक चलता रहा, बट यार नहीं पकड़ेगा घर वालों के, हमने सोचा यार प्लान सक्सेसफुल हो गया, घर वालों से नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो भाई रोज़ ऐसे चलेगा अपना। तो हर ग्रुप में एक बंदा भाई साहब ऐसा ज़रूर होता है जो हमारी सबकी बातें लगाता फिरता है। तो हमारे ग्रुप में भी एक बंदा ऐसा था, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं कौन था वो, तो वो हमारी बातें लगाता फिरता था। उसके घर के सामने से होते हम नहर पे जाते थे, तो उसको पता चल गया कि नहर में नहाने गए हैं, तो वो हम सब के घर पहुंच गया कि नहर में नहाने चला गया, ऐसे ऐसे जाओ और नहर पे पकड़ो, पुल पे मिलेगा, मतलब रास्ते बता दे, लोकेशन हर लोकेशन बता दी कि वहाँ पे मिलेगा, नहर में पहुँच जाओ। तो कोई बात नहीं भाई, हम बढ़िया अपना नंगे होंगे होके तकड़ा ना आ रहे थे पुल पे से कूद कूद, कोई होता नहीं था भाई, दोपहर का टाइम था तो वहाँ पे कोई पावे नहीं था, तो हम बढ़िया ना रहे थे। तो जैसे ही मैं डुबकी मार के ऊपर निकला तो देखा जो मेरे पिताजी मेरे सामने खड़े हैं, तो भाई सिट्टी गुल होगी कि यार आज तो गया, आज तो रंगे हाथ तो पकड़ा गया, कितने छुपा लूँ, घर वालों को बोल देता था कि मैं नहीं नहा के आया, झूठ बोल देते थे भाई साहब। पहले उसमें क्या होता था भाई साहब, पहले ऐसा होता था, अब के टाइम में तो अगर खरोंच भी लग जाए बच्चे को तो रोने लग जाता है, हमारे टाइम में क्या होता था, अगर हाथ भी टूट जाता था ना, पैर भी टूट जाता था, तो तब बताते थे, जब ज़्यादा पेन होता था ना तो तब बताते थे, हमारे यहाँ छोटी मोटी चोट को नहीं बताया करते थे हमारे टाइम में। लेकिन अब के टाइम में जरा सी खरोंच भी लग जाए तो बच्चा रोने लग जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं उसे, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं था भाई जी, हमारे टाइम में जब ज़्यादा बड़ी चोट लगा करते थे तब कर बताया जाया करता था, छोटी मोटी चोट को तो इग्नोर कर देते थे हम, ऐसे ठीक हो जाते थे। तो भाई कोई बात नहीं, मैंने जैसी डुबकी मारी तो देखा जो मेरे पापा जी सामने खड़े हैं, तो मेरी सिट्टी गुल होगी भाई, आज तो क्याड़ा पिटूंगा, बढ़िया पिटूंगा। तो पापा जी बोले बाहर आ जा, मैं बाहर कहाँ आने वाला था भाई, एक तो नंगा और एक डंडी ले रखी पापा जी ने पतली सी, मैं पता था भाई अगर एक भी मार दी तो छप जाओगी, उछड़ जाओगी, क्योंकि नंगा था भाई साहब, नंगे काया पे डंडी बहुत तेज लगा कराया। तो पापा बोले बाहर आ जा, मैं गया मैं नहीं आ रहा। तो पापा जी ने कहा यार बहुत बोल रहा है, तो आज तक इतना ऊंची आवाज भी नहीं बोल रहा, आज इतना क्यों बोल रहा, फिर से बोला कि बाहर आ जा, मैं बोला नहीं आऊँगा, कितना ही मारो लेकिन आज मैं नहर से बाहर नहीं आऊँगा। तो पास में लड़का खड़ा था मेरे, जो हम मतलब साफ सारे ग्रुप में नहा रहे थे हम सारे बंदे, चार पाँच बंदे थे, तो उसमें से एक बोला कि ताऊ जी ये इसलिए बाहर नहीं आ रहा क्योंकि हम नंगे ना रहे हैं, हम इसलिए बाहर नहीं आ रहे आपके सामने, हम नंगे ना रहे हैं। तो पापा जी थोड़े से हंसे, फिर बोले कि आज तू घर आ जा, तेरी तकड़ी वाली कुटाई होगी। तो कोई बात नहीं भाई, फिर तो क्या था अपना नहर में तो निकले नहाए धोए, पता था यार आज तो पिटनी है, तो आधा घंटा फालतू नहाए कि आज तो पिटेंगे भाई, पता चल गया अगर तो आज तो पिटना तो पक्का है, तो हम आधा घंटा फालतू नहाए अपना, कपड़े कुपड़े पहन के घर पहुँच गए भाई, कुटना तो ही था आज पक्का था भाई, रंगे हाथ तो पकड़े गए तो पिटेंगे तो ही। तो घर पहुंच गया भाई, पापा जी ने डंडी ले रखी थी और दबा के फेरने शुरू कर दी, तकड़ा पिटाई की भाई, कुटाई की कि नहर में नहाने क्यों जाता है। तो भाई वह दिन था, आज का दिन है, उस दिन थे मैं आज तक नहर में नहाने नहीं गया, बड़ा हो गया भाई, बचपन था तब
समझ भी आनी शुरू होगी कि नहर में गंदा पानी आता है, फैक्ट्री वगैरह का पानी आता है। वैसे तो गंगा जल होता है नहर में, लेकिन जो फैक्ट्री वगैरह जुड़ी हुई है नहर से तो वो गंदा पानी कर देती है, पानी को, नहर के जल को गंदा कर देती हैं। तो घर वालों ने बैठा के समझा कि गंदा पानी आता है, बहुत सारे सांप वगैरह आ जाते हैं, तो समझ में बात बैठ गई भाई उस दिन से नहर में मैं नहीं नहा। तो दोस्तों ये मेरी कहानी थी, और आप सभी किसी भाई की भी ऐसी कहानी हो तो मुझे कमेंट कर सकता है। तो दिल से धन्यवाद, नमस्कार।